रात के अंधेरे में एक चिंगारी ने पूरे परिवार को ऐसे आगोश में किया, पूरा परिवार ही बिखर गया। इस परिवार में कई सदस्यों की तो सुबह ही नहीं हो सकी। आज बात आगरा में हुए इस दर्दनाक हादसे की, जिसमें तीन की जिंदगियों को एक पल में ही खत्म कर दिया। बुधवार सुबह जगनेर रोड स्थित एक हॉस्पिटल में अचानक आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि यहां भर्ती मरीजों को बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बाहर निकाला। आगरा की घनी आबादी वाले इलाके में बने अस्पताल में बुधवार तड़के आग लग गई। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को गंभीर हालत में बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल भेजा गया। अभी आग लगने के पीछे का कारण का पता नहीं चला है। मौके से फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शाहगंज क्षेत्र के जगनेर रोड स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। अस्पताल में तीन मरीज और उनके तीमारदार और स्टाफ अंदर फंस गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तब तक धुआं पूरे अस्पताल में भर गया। करीब एक घंटे के बाद दमकल कर्मियों ने तीन मरीज समेत चार लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल से बाहर निकाला और निकट के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग पहले भूतल पर लगी। यहां एक कैमरे में हॉस्पिटल संचालक के भाई ने सोफे रखे थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से तो सोफों की फॉर्म में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पूरे अस्पताल को उन्होंने अपने आगोश में ले लिया। जगनेर रोड स्थित आर मधुराज अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजन और भवन स्वामी गोपीचंद हैं। इसमें भूमिगत तल पर जनरल वार्ड, भूतल पर जनरल और प्राइवेट वार्ड हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर गोपीचंद और डॉक्टर राजन का परिवार रहता है। सुबह करीब 5 बजे अचानक प्रथम तल पर आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे हॉस्पिटल में धुआं भर गया। आग लगने के समय पर हॉस्पिटल में 7 मरीज भर्ती थे और 5 स्टाफ के लोग थे। आग लगते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए, पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। तो मेरी ये सब आग है तो मैंने उठा के शटरों को उठाया, जैसे उठाया फटाफट शटर उठा करके मैंने आवाज दी तो मेरे मोबाइल सामने जो माल रखा था नीचे फेंका, मेरे बेटे ने फेंका। अब मेरी जो ऐसा कर उन्होंने बच्चों को निकाल पहले बार मैंने उसे आवाज़ दी, बच्चों को निकाल। और छोटा बड़ा नाती नहीं रहा था, उन्होंने पानी में बेटा पानी से नहीं, ऐसे नहीं देगा जी, पानी नहीं दे ऊपर ही आई है, पानी से ऊपर आ गई। अंदर धुआं भर जाने के कारण लोग बाहर नहीं निकल सके। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी तो करीब 40 मिनट बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे। इसके बाद मरीजों को बाहर निकाला जा सका। सभी की हालत गंभीर होने के कारण सभी को पासी के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अस्पताल के भूतल पर एक कमरे में सोफे रखे थे, इनकी फॉर्म में आग लगी। इसके बाद पूरे अस्पताल में धुआं भर गया। यह सोफे डॉक्टर के भाई ने रखे हुए थे। नहीं, गोदाम कुछ नहीं था सर, थोड़ी सी जायदाद 10-15 किलो, उनके पिताजी बैठे रहते थे दुकान पर, दुकान वहाँ थी बस। हाँ सर, आवाज़ सुनाई दी, हम अंदर गए, चार लोग रहते हैं ऊपर, उनका बड़ा बेटा सुबह जग जाता है, तो देखा हमने कि अंदर और भी लोग हैं। फिर हम अंदर गए तो आग वो लगा हुए हैं लपटे, तो हेलमेट भी लेके आए हमारे साथी, अन्य हेलमेट लेके आए तो बाहर निकाला। जी सर, बहुत कुछ ही, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, समर भी चलाई सर, समर से हमने लगभग 50% आग कंट्रोल कर ली। ये भी भाई थे और भी सभी थे तो हमने निकाला। बहुत दुखद का सर, ये समझो सब बर्बाद हो गया। आगरा में बुधवार तड़के आग ने नरीपुरा में ऐसा तांडव मचाया कि एक अस्पताल में संचालक और उसके परिवार के लोगों को
संभलने तक का मौका नहीं मिला। चागन के खेड़िया मोड़ स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल में बुधवार तड़के भीषण आग लगी। आग लगने से हॉस्पिटल में मरीज और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल और शाहगंज पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने किसी तरह एक घंटे में चार लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल संचालक का परिवार सहित दूसरी मंजिल पर फंस गए। पता चला था कि यहाँ आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस और फायर टेंडर आए, तुरंत काबू पाया गया। और ये अभी मौके पे जो पता चल रहा है कि जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें डॉक्टर फैमिली रहते थे जो नीचे अस्पताल में ही काम करते थे, और ये बताया जा रहा है कि वही अस्पताल चलाते भी थे। तो उस जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें आग लगा था और तीन लोगों को रेस्क्यू किया गया, तीनों अस्पताल में है। आग की चपेट में आने से अस्पताल संचालक राजन सिंह, उनकी बेटी सिमरन और शालू और उनके बेटे ऋषि की मौत। पुलिस को ये सूचना मिली कंट्रोल रूम में कि आग लगी है। तत्काल मौके पर पुलिस की टीम PRV, थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग यहाँ पहुँच गया। उन्होंने आग पर काबू पाया और ऊपर जो इनका फर्स्ट फ्लोर है उसमें फंसे लोगों को सबको निकाल के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कैजुअल्टी कितनी है और कितने घायल हैं? और इलाज के दौरान अभी ये सूचना मिली है कि इलाज के दौरान तीन लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी दो लोग अभी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो कि पुलिस हॉस्पिटल विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि वो लोग खतरे से बाहर हैं। फिलहाल मरीजों को बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही अस्पताल का स्टाफ गायब हो गया। आग लगने की वजह का खुलासा अभी नहीं हो सका है। फायर कर्मचारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि अस्पताल में आग इतनी रात को आग कैसे लगी। आगरा जिला में हादसा एक चेतावनी है लापरवाह लोगों के लिए, जिम्मेदार अधिकारी के लिए, आपके लिए या हमारे लिए, क्योंकि शहर में किस अस्पताल में यह हादसा हुआ उसके पास अस्पताल में संचालित कई NOC नहीं थी, लेकिन यह संचालित हो रहा था। यह अस्पताल अकेला ऐसा नहीं है, शहर में कई अस्पताल बिना फायर NOC के संचालित हो रहे हैं। आगरा के लिए यह हादसा एक चेतावनी, लापरवाह लोगों के लिए और जिम्मेदार अधिकारियों के लिए, आपके लिए और हमारे। क्योंकि शहर में जिस अस्पताल में यह हादसा हुआ उसके पास हॉस्पिटल संचालित करने के लिए कई NOC नहीं थे, लेकिन वह संचालित हो रहा था। यह अस्पताल अकेला ऐसा नहीं, शहर में कई अस्पताल बिना फायर NOC के संचालित हो रहे हैं। आगरा शहर में बुधवार सुबह एक हादसे ने सभी को हिला दिया। इस अस्पताल में फायर फाइटिंग के कोई इंतजाम नहीं थे। अगर होते तो आज इस अस्पताल के मालिक और उनके दो बच्चे असमय दर्दनाक हादसे का शिकार नहीं होते। आगरा में ऐसे दर्जनों अस्पताल मौजूद हैं, जहां फायर फाइटिंग के इंतजाम तो दूर, आग लगने पर बुझाने के लिए पानी के इंतजाम तक नहीं। ऐसे दर्जनों अस्पताल शहर में धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं। इस पूरे अग्निकांड की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें बताया जा रहा है फॉर्म वगैरह का कार्य चलता था, वो सब जांच की जा रही है, साइंटिफिक तरीके से जांच की जाएगी और इसमें जिनका भी दोष होगा उनको उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद कई विवाद तो जागे, जांच भी हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम कुछ नहीं किया गया, केवल मामला कागजों में दफन कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज आगरा।
इस हादसे से हम सबको सीख लेना चाहिए, क्योंकि लापरवाही किसी को भी भारी पड़ सकती है और उसकी कीमत से किसी की जान भी जा सकती है। ऐसा ही इस हादसे में हुआ। अगर इस अस्पताल में फायर फाइटिंग के इंतजाम होते तो शायद डॉक्टर साहब के परिवार को इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती।